हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर इन फर्स्ट बुक बीहाइव, चैप्टर सेकंड, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, मंडेला स्पीक्स अबाउट अ हिस्टोरिक ओकेजन. इस चैप्टर को नेल्सन मंडेला के द्वारा लिखी गई उनकी ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा में से लिया गया है, जिसमें इन्होंने एक हिस्टोरिक इवेंट के बारे में कहा है, द इनॉग्रेशन. कैन यू गेस वॉट द ओकेजन माइट बी? क्या आप गेस कर सकते हैं कि इस चैप्टर में किस ओकेजन की बात की जा रही है? चेक योर गेस विद दिस न्यूज आइटम फ्रॉम द बीबीसी ऑफ 10 मई 1994. बीबीसी के थ्रू एक न्यूज में 10 मई 1994 में ये पब्लिश हुआ था, जिसमें लिखा गया है, मंडेला बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट. नेल्सन मंडेला 1994 में साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने. नेल्सन मंडेला हैज बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 सेंचुरीज ऑफ व्हाइट रूल. 1994 से पहले 3 सेंचुरीज तक, 300 सालों तक वहां व्हाइट रूल, अंग्रेजों का, गोरों का शासन था. मिस्टर मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी वॉन 252 ऑफ द 400 सीट्स इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन ऑफ साउथ अफ्रीकाज हिस्ट्री. यानी पहली बार साउथ अफ्रीका के इतिहास में 1994 में 400 सीट्स में से नेल्सन मंडेला की जो टीम थी, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC, उन्होंने 252 सीट्स पे जीत हासिल करी. द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग एमपी थिएटर इन प्रिटोरिया टुडे. अब नेल्सन मंडेला अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं कि जो इनॉग्रेशन सेरेमनी थी वो कहाँ हो रही है, तो यूनियन बिल्डिंग एमपी थिएटर इन प्रिटोरिया. प्रिटोरिया जगह का नाम है और ये उस जहां पे वो हो रहा है. अटेंडेड बाय पॉलिटिशियन एंड डिग्नेटरीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड. जहां पे बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियन, डिग्नेटरीज, महान लोग, बड़े बड़े लोग, कम से कम 140 कंट्रीज, 140 देशों के लोग वहां आए थे. नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटिफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस. नेल्सन मंडेला ने अपने एड्रेस में कहा, अपने भाषण में कहा, नेवर नेवर, कभी नहीं अगेन, यानी कभी नहीं दोबारा, विल दिस ब्यूटिफुल लैंड. ब्यूटिफुल लैंड मीन्स यहाँ पे साउथ अफ्रीका की बात की जा रही है. एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, यानी कि जो गुलामी उन्होंने 300 साल तक जो देखी थी, झेली थी, वो अब दोबारा साउथ अफ्रीका में कभी नहीं होगा, ऐसा उन्होंने अपने भाषण में कहा, एड्रेस करते हुए लोगों को. जुबिलियंट सीन ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ प्रिटोरिया. जुबिलियंट, जुबिलियंट मीन्स एक्सट्रीमली हैप्पी, बहुत ज्यादा खुश होना. तो प्रिटोरिया की गलियों में मतलब हर कोई खुश दिखाई दे रहा था. फॉलोड द सेरेमनी विद ब्लैक्स, व्हाइट्स एंड कलर्ड सेलिब्रेटिंग टुगेदर. यानी व्हाइट, ब्लैक्स, गोरे, काले, हर धर्म के, हर जाति के लोग एक साथ इस खुशी को मना रहे थे. मोर देन 100,000 साउथ अफ्रीकन मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन ऑफ ऑल रेस सैंग विद, डांस्ड विद जॉय. सभी मैन, वुमेन, चिल्ड्रन सभी नाच रहे थे, कूद रहे थे, गा रहे थे. तो ऐसा बीबीसी की न्यूज में ये पब्लिश हुआ. ना यहां से आपका चैप्टर स्टार्ट हो रहा है. 10 मई डॉन ब्राइट एंड क्लियर. 10 मई की बात है, जो उस दिन की सुबह थी वो बहुत ज्यादा ब्राइट एंड क्लियर थी. फॉर द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से, आई हैड बीन प्लेजेंटली बिसाइड बाय डिग्नेटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स हु वर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट बिफोर द इनॉग्रेशन. यानी जिस दिन नेल्सन मंडेला एज अ प्रेसिडेंट अपनी ओथ लेने वाले थे, शपथ लेने वाले थे, उससे कुछ दिनों पहले ही अलग अलग देशों से, वर्ल्ड के हर हर कोने से वहां लोगों ने आना शुरू कर दिया. द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉयल. साउथ अफ्रीका की धरती पे इससे पहले इतना बड़ा इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इतना बड़ा कोई समारोह नहीं हुआ था. द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया. जो ये सेरेमनी हो रही थी वो कहाँ थी? एक एम्पी थिएटर में. एम्पी थिएटर मीन्स ऐसा थिएटर जो चारों ओर से खुला हो, उस तरीके का. फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया, जो प्रिटोरिया में बना था सैंडस्टोन का, जैसे हमारा इंडिया में है रेड फोर्ट, है लाल किला, जो कि इसी सैंडस्टोन का बना हुआ है. फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी. सुप्रीमेसी मीन्स होता है सर्वोच्चता.
तो फॉर डिकेट्स, कई दशकों से, यहाँ किसकी थी, यहाँ कंट्रोल किसका था, व्हाइट गोरो का। एंड नाउ इट वॉज द साइट ऑफ अ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स। लेकिन अब यहाँ आके ऐसा लग रहा है मानो इंद्रधनुष के समान कई सारे रंग यह इकट्ठा हुए हैं। यहाँ इंद्रधनुष यानी कि रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स का मतलब है अलग कास्ट के लोग, अलग कलर के लोग, सब आज क्या है, एक है। तो नेल्सन मंडेला ने उन्हें रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स कहा है। एंड नेशन फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। और एक ऐसी सरकार, एक ऐसी गवर्नमेंट को वहां इंस्टॉल किया जा रहा है, संरक्षित किया जा रहा है, जो कि डेमोक्रेटिक है, लोकतांत्रिक है, नॉन रेशियल गवर्नमेंट, और किसी भी रंग या धर्म के आधार पर सरकार को नहीं बनाया गया है। ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज एकम्पेनियड बाय माई डॉटर जिनानी। मतलब ऑटम डे, पतझड़ की बात है, 10th मई की इन्होंने यह बात बोली है। तो आई वॉज एकम्पेनियड, एकम्पेनियड मीन्स टू गो टूगेदर विद समबडी और समथिंग, साथ साथ जाना किसी के। तो उस दिन नेल्सन मंडेला के साथ उनकी डॉटर थी जिनानी। ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लार्क, और पोडियम पे कौन थे, मिस्टर डी क्लार्क वॉज फर्स्ट सोन इन एज सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट, और उन्होंने एज अ सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट अपनी ओथ ली। देन थेबो मैपकी वॉज सोन इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट। अब 10th मई के दिन सभी जो वहां के मिनिस्टर्स थे अपनी अपनी ओथ ले रहे थे। वेन इट वॉज माई टर्न, लेकिन जब नेल्सन मंडेला जी की बारी आई, आई प्लेस्ड, प्लेस्ड मीन्स ओथ लेना, शपथ लेना, टू ऑबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेलबींग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। तो उन्होंने शपथ ली कि मैं टू ओबे, पालन करना, अपहोल्ड, अपहोल्ड मतलब ऊंचाइयों तक ले जाना, किसको, द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू डिवोट माई सेल्फ, यानी कि मैं साउथ अफ्रीका के संविधान को ऊंचाइयों तक लेके जाऊंगा और उसकी आज्ञा का पालन करूंगा और हमेशा सदा के लिए अपने आप को टू डिवोट माई सेल्फ समर्पित करता हूं, किसके लिए, वेलबींग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल, यानी साउथ अफ्रीका और साउथ अफ्रीका के सिटीजन्स के लिए मैं अपने आप को समर्पित करता हूं, ऐसा नेल्सन मंडेला ने शपथ लेते समय कहा। टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड, वहां जितने भी गेस्ट असेंबल्ड हुए थे, इकट्ठा हुए थे, और सारा का सारा संसार जो इस समारोह को, इस अवसर को देख रहा था, आई सेड, उनके लिए मैंने ये कहा, नेल्सन मंडेला ने कहा, टूडे, आज ऑल ऑफ अस डू बाय अवर प्रेजेंस हियर, हम सभी ने अपनी प्रेजेंस, अपनी उपस्थिति यहां दी है, कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, देना, तो यहाँ क्या है, कन्फर्म मीन्स है यहाँ पे देना, ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, यानी आज साउथ अफ्रीका 300 शताब्दी के बाद क्या हुआ, आजाद हुआ है, तो इस महान दिन के लिए हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग, आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, ह्यूमन डिजास्टर की बात यहाँ पे इसलिए कही जा रही है क्योंकि 300 साल बाद इस दिन को प्राप्त करने के लिए, इस दिन को देखने के लिए कई लोगों ने अपना सेक्रीफाइस दिया है, बलिदान दिया है, और जिसके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, देश के लिए समर्पित हो जाना, सेक्रीफाइस करना ही बहुत असाधारण सी बात है। मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी, जिन लोगों ने, जिन लीडर्स ने इस दिन के लिए अपनी जान गंवाई है, सेक्रीफाइस किया है, वो ये जरूर चाहते थे कि हम एक ऐसी सोसाइटी को जन्म दे, बनाए, ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, जिसपे ह्यूमैनिटी मीन्स मानवता, जिसपे हर इंसान को, हर व्यक्ति को गर्व महसूस हो। वी हु वर आउटलॉस नॉट सो लॉन्ग अगो हैव टूडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन अवर ओन सॉयल। वी हु वर आउटलॉस नॉट सो लॉन्ग अगो, आउटलॉस, आउट मतलब बाहर, लॉ मतलब कानून, जो कानून का पालन ना करे, यानी कानून के दायरे से जो बाहर रहे, तो कुछ समय पहले की ही बात है, नॉट सो लॉन्ग अगो, कुछ समय पहले की ही बात है कि हम कानून का पालन नहीं करते थे, हैव टूडे, लेकिन आज कानून का पालन नहीं करते, इन सेंस की देश की आजादी के लिए इन्हें कई बार आंदोलन करने पड़े, गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाना पड़ा, तो उसके अकॉर्डिंग यह आउटलॉस कहा गया है। Have today been given the rare privilege to be host to the nation of the world on our own soil. लेकिन आज हमें मौका मिल रहा है कि हमें अपने ही धरती पे अपने देश को प्रेजेंट करने का मौका मिल रहा है। We thank all of our distinguished international guests for having come to take positions with the people of our country of what is, after all,
वो वहां पे उपस्थित जितने भी इंटरनेशनल लेवल पे लीडर्स आए थे, सभी लोग आए थे, उनका धन्यवाद देते हुए कि आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे बीच आए हैं। अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, फॉर पीस, फॉर ह्यूमन डिग्निटी। आज का दिन क्या है? अब कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, न्याय की जीत है, फॉर पीस, शांति की जीत है, और फॉर ह्यूमन डिग्निटी, और मानवता के सम्मान की जीत है। ऐसा नेल्सन मंडेला ने अपने स्पीच में कहा। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड अवर पॉलिटिकल इमेनिसिपेशन, मीन्स किसी चीज से, किसी बंधन से मुक्ति पा लेना। तो इन्होंने क्या पा लिया? अचीव्ड मतलब प्राप्त करना, अवर पॉलिटिकल इमेन्सिपेशन, यानी कि उन्होंने जो आज तक हमें, जो हमें सारे अधिकार नहीं मिल रहे थे राजनीतिक, आज हमने उन्हें पा लिया है। वी प्लेज्ड अवर सेल्स टू लिबरेट ऑल अवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डिप्रिवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। वी प्लेज अवर सेल्स, हम अपने आप से प्लेज करते हैं, वादा करते हैं, टू लिबरेट ऑल अवर पीपल। लिबरेट मीन्स आजाद कराना, कि हम क्या करेंगे, अपने सभी लोगों को आजाद कराएंगे। किससे? फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी। बॉन्डेज मीन्स बंधन, कंटिन्यूइंग मतलब लगातार। उन लोगों को जो आज तक गरीबी से जूझ रहे हैं, हम उन्हें गरीबी से मुक्त कराएंगे। डिप्रिवेशन, डिप्रिवेशन मीन्स होता है किसी चीज से वंचित हो जाना। जब कोई चीज आपको, आपका राइट नहीं मिलता है तो हम कहते हैं डिप्रिव्ड। तो जो लोग अपने अधिकारों से वंचित हैं, उन्हें हम उनके अधिकार दिलाएंगे। सफरिंग, सफरिंग मीन्स यहाँ पेन, दर्द, उनके दुखों से उनको मुक्त कराएंगे। जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, और जो बायसनेस होती है गोरों के साथ, कालों के साथ, इन सब चीजों को हमको हटाना है। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटिफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। ये आपको मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में इसका मीनिंग बताया है। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट, लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। उतने में नेल्सन मंडेला लास्ट में कहते हैं द सन शैल नेवर सेट, यानी कि ये जो स्वतंत्रता का सूरज है, लिबर्टी का सूरज है, ये कभी अस्त नहीं होगा। सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट, और ये हमारी मानवता की उपलब्धि का बहुत बड़ा प्रतीक है। ये सूरज क्या है? सूरज को किससे कंपेयर कर रहे हैं? जो चीज उन्होंने गेन की है, प्राप्त की है, और वो चीज क्या है? लिबर्टी है। तो यहाँ आपका चैप्टर का ये फर्स्ट पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, और अब हम इसके सेकेंड पार्ट को स्टार्ट करते हैं। अ फ्यू मोमेंट्स लेटर वी ऑल लिफ्टेड अवर आईज इन एज अ स्पेक्टिकुलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स। अब आपने देखा होगा जैसे रेड फोर्ट पे आपका ये 26 जनवरी या 2 अक्टूबर या 15 अगस्त के दिन प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट वहां रेड फोर्ट पर रैली निकलती, ठीक ऐसा ही कुछ सीन यहां भी था। जो स्पेक्टिकुलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, एरे मीन्स अ लार्ज कलेक्शन ऑफ थिंग्स स्पेशली वन दैट इज इम्प्रेसिव एंड इज सीन बाय अदर पीपल। तो इसका मीनिंग आप ध्यान से लिख लीजिएगा, ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स। तो बहुत सारे साउथ अफ्रीकन जेट्स क्या कर रहे थे, यानी उस दिन एज ए प्रेसिडेंट, जो एक बहुत बड़ा दिन था साउथ अफ्रीका के लिए कि हाँ वहां स्वतंत्रता, डेमोक्रेसी को दोबारा स्टेबलाइज किया जा रहा था, तो उसे क्या दे रहे थे? सलामी दे रहे थे। हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रूप्स कैरियर्स रोड इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसिशन एंड मिलिट्री फोर्स बट अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी। अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो वहां पे मिलिट्री, एयरफोर्स थे, सारे लोग जो इस तरीके की चीजें वहां पे कर रहे थे, ये एक डिस्प्ले मात्र नहीं था, एक डिस्प्ले ही नहीं था, बल्कि अ पिन पॉइंट प्रिसिशन। प्रिसिशन मीन्स होता है द क्वालिटी ऑफ बीइंग क्लियर और एग्जैक्ट। साफ साफ दिखाई दे रहा था कि अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्री लॉयल्टी टू द डेमोक्रेसी, की जो मिलिट्री है वो डेमोक्रेसी के लिए अपनी लॉयल्टी को शो कर रही थी, वफादारी को शो कर रही थी। टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, एक ऐसी सरकार जो अब 1994 में नेल्सन मंडेला के द्वारा लाई गई थी, जो फ्रीली एंड फेयरली इलेक्ट की गई थी। ओनली मोमेंट्स बिफोर, कुछ ही क्षण पहले, नेल्सन मंडेला जी कहते हैं कुछ ही क्षण पहले, द हाइएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस, जो साउथ अफ्रीकन डिफेंस के हाइएस्ट जनरल्स हैं, फोर्स एंड पुलिस, दे चेस्ट बेडेक्ट विद रिबन्स। बेडेक्ट मीन्स होता है एडॉन करना या डेकोरेट करना, रिबन्स एंड मेडल्स फ्रॉम डेज गॉन बाय। यानी आप देखते हैं कि प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स, जिन्होंने साल भर में कुछ अचीवमेंट्स प्राप्त की होती है, उन्हें मेडल दिए जाते हैं, तो इस तरीके से वहां भी किया जा रहा था। सैल्यूटेड मी, वो सारे के सारे नेल्सन मंडेला जी को सैल्यूट कर रहे थे, एंड प्लेज्ड देयर लॉयल्टी, और
नेल्सन मंडेला जी के सामने अपनी लॉयल्टी को शो कर रहे थे। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट, लेकिन अभी भी मैं उन चीजों को भूला नहीं था। दैट, कौन सी बातें? कि नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर, कुछ साल पहले ही, ज्यादा साल नहीं हुए हैं। दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड, ये मुझे सैल्यूट नहीं करते थे, बट अरेस्टेड मी, इन्होंने मुझे गिरफ्तार किया था। फाइनली अ चेवरॉन ऑफ इम्पाला जेट्स लेफ्ट अ स्मोक ट्रेल ऑफ द ब्लैक रेड ग्रीन ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। तभी वहां से एक चेवरॉन मीन्स यहाँ लिखा पैटर्न इन द शेप ऑफ वी, वी शेप में। इम्फाला एक जेट है, जेट का नाम है, जिसके पीछे से ट्रेल, ट्रेल मतलब रास्ता टाइप का, जिसमें से अलग अलग रंग के ब्लैक रेड ग्रीन ब्लू एंड गोल्ड, जो किसका प्रतीक था? द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग, जो साउथ अफ्रीका के नए झंडे का प्रतीक था। एक जेट वहां से उड़ता हुआ गया, इम्फाला जेट, और उसमें से ये रंग बिरंगे जो कलर से वो निकलना शुरू हो गए। द डे वॉज सिम्बलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ अवर टू नेशनल एंथम। उस दिन साउथ अफ्रीका में 10 मई को दो नेशनल एंथम को एक साथ गाया गया। एंड द विजन ऑफ वाइट्स सिंगिंग निकोसी सिकिलल अफ्रीका, इसका मीन्स है कि गॉड ब्लेस अफ्रीका एंड ब्लैक सिंगिंग, और जो काले लोग थे डायस्टेम, इसका मीन्स है गॉड से द क्वीन और द किंग। द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, जो 1994 यानी कि अब से पहले जो गाया जाता था। ऑल दू दैट डे नीदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम दे वंस डिस्पाइज्ड, डिस्पाइज्ड मीन्स हैड अ वेरी लो ओपिनियन ऑफ, यानी कुछ लोग तो अब तक इस नेशनल एंथम को भूल भी गए थे, तो कुछ को तो उसकी लिरिक्स भी पता नहीं थी। दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट, लेकिन बहुत जल्द वो इसे भी सीख जाएंगे। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन, इनॉग्रेशन के दिन, आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री। ओवरवेल्म्ड मीन्स जब आप हद से ज्यादा किसी चीज के लिए खुशी होते हैं या फिर आप दुखी होते हैं, हद से ज्यादा, एक्सट्रीमली कोई चीज जब आप हद से ज्यादा हो जाए। विद अ सीन विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री, जब नेल्सन मंडेला ने इतिहास के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, पास्ट के बारे में सोचा, तो उन्हें बहुत ज्यादा खुशी हुई। व्हाई? इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी का मीन्स होता है 1900 के बाद का समय, यानी 1900 से लेकर 1920 का समय। अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बोअर वॉर एंड बिफोर माई ओन बर्थ, द वाइट स्किन पीपल्स ऑफ साउथ अफ्रीका पेस्ट अप The differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned peoples of their own land. यानी साउथ अफ्रीका ही के ही धरती पे जो गोरे लोग हैं वो वहीं के काले लोगों के साथ क्या करते थे? भेदभाव करते थे on the basis of color, and that policy is called apartheid. यानी जब कलर के आधार पे, रंग के आधार पे जब हम एक दूसरे ह्यूमन बींग से भेदभाव करते हैं, बायसनेस करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, that policy is called apartheid. द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमैनी, हार्शेस्ट मतलब बहुत ज्यादा कठोर, इनह्यूमैनी अमानवीय, यानी एक इंसान दूसरे इंसान के साथ जब कोई ऐसा काम, अमानवीय काम जो कहते हैं, किसी को दर्द पहुंचाना, तो ये सारी चीजें उससे कंपेयर कर रहे हैं नेल्सन मंडेला। इनह्यूमैनी सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज एवर नोन नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी का मतलब होता है 1982 आपका 2000, एंड माई ओन 8th decade एज अ मैन, माई ओन 8th decade मीन्स 80 years, 1 decade इक्वल टू 10 years, 8th decade इक्वल टू 80 years. दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न फॉर एवर, लेकिन जो सिस्टम था, जो अपार्थियड पॉलिसी जो फॉलो की जाती थी, अब ओवरटर्न फॉर एवर, हमेशा के लिए खत्म कर दी गई है। एंड रिप्लेस्ड बाय वन दैट रिकोगनाइज द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल्स, और अब उस पॉलिसी की जगह जहां गरीबों के साथ कलर्स के भेद पे जो भेदभाव किया जाता था बेस पे, तो वहां अब क्या है, रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम, लोगों को फ्रीडम दी जा रही है, राइट्स अधिकार दिए जा रहे हैं, रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ द स्किन, और रिगार्डलेस यानी कलर को देख के नहीं कि काले हैं गोरे हैं। तो अब एक नई फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट साउथ अफ्रीका में स्टेबलाइज हो गई है। दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस, दैट डे यानी वो दिन जो आया है, 10 मई का जो दिन है, अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइस, तो इस दिन को प्राप्त करने के लिए इतना ज्यादा बलिदान दिया जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं, ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माय पीपल, पीपल हु सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेड, यानी वो लोग जिन्होंने साउथ अफ्रीका को ये दिन दिलाने के लिए बलिदान दिया है, उनके सेक्रीफाइस को, उनके दर्द को हम कभी गिन नहीं सकते, और ना ही उनकी जो उनका जो बलिदान है उसे चुका सकते हैं। आई फेल्ट दैट डे एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर्स डे,
दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज एफ्रीकन पेट्रियट्स हु हैड गॉन बिफोर मी. दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड एंड नाउ बिगेन अगेन विद मी. I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices had wrought. अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है नेल्सन मंडेला जी को एक तरीके से दुख भी हो रहा है कि जिस दिन को प्राप्त करने के लिए उन लोगों ने बलिदान दिया है उस दिन को देखने के लिए आज वो यहाँ है नहीं और ना ही मैं उनके द्वारा किए गए इस काम के लिए उनको धन्यवाद दे सकता हूँ. तो आज हम इस चैप्टर को यहीं पे कंप्लीट करेंगे. इसके आगे के पार्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. इस चैप्टर के बीच में मैंने जितने भी वर्ड्स की मीनिंग्स बताई हैं उन्हें आपको इंग्लिश में भी लिखना है और हिंदी में भी लिखना है और वर्ड्स की मीनिंग आप वही लिखेंगे जो मैंने वीडियो में बताई है. इन योर रफ नोटबुक, आपको रफ नोटबुक करना है. थैंक यू.